ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। थैंक सब यू। कोविड का टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, क्या कुछ कोविड में आपने चैलेंजेस फेस किए और अब आगे जाने के टाइम मतलब क्या-क्या प्रिकॉशंस लेके आगे चलने वाली है और क्या सीखा आपने सबसे इम्पोर्टेंट थिंग फ्रॉम कोविड सिचुएशन? मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपने बोल दिया कि कोविड का टाइम ख़त्म होने वाला है। दैट्स रियली गुड, बिकॉज़ हम सब प्रे कर रहे हैं कि ये टाइम ख़त्म हो जाए। बट हाँ, धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था, वो दैट वाज ए फर्स्ट शॉक फॉर ऑल ऑफ अस। बट सेकेंड टाइम जब हुआ, मुझे ऐसा लगता है सिचुएशन और वर्स्ट हो गया। अगर आप देखा जाए तो लास्ट ईयर से ज़्यादा, मतलब हम लोगों ने देखा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का डेथ हुआ, बहुत सारे नॉर्मल लोगों का डेथ हो रहा है। तो यहाँ पे काम से भी सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो अभी है, हम लोग घर पे है, सेफ़ है, और ऐसा कोई दिक्कत मैंने फेस नहीं किया है। ऑब्वियसली मैंने फैमिली को मिस किया है, वो भी मैं हर महीने जाती हूँ उनसे मिलने के लिए। हाँ, लास्ट ईयर मेरे लिए थोड़ा टफ था, बिकॉज़ आई लॉस्ट माई फादर, मेरे पापा का डेथ हो गया था कोविड के वजह से। बट इस साल आई वॉज़ एट होम एंड आई वॉज़ सेफ। इवन मेरे बिल्डिंग में भी गेस्ट भी अलाउड नहीं थे, तो ऐसे तो सब कुछ अच्छा ही था। अकेली थी बट सेफ थी, और अभी धीरे धीरे सब काम स्टार्ट हो रहा है, सो आई एम वेरी होपफुल। राइट एंड आपका जो सीरीज था क्लास ऑफ 2020, उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो किरदार को लेके आपको क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे, लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए थे, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताया ना। एक्चुअली वो कैरेक्टर करते करते सबसे ज़्यादा मेरे चेंजेस हुआ है। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ग्रो किया था वो शो करते करते। और लोगों का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ना, जब आप कोई चीज़ करते हो, पहले पहले आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो, फिर लोग वो पसंद करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। ये लड़की का जो कैरेक्टर था, मतलब यू कांट जज हर, रांची इज़ गुड और बैड, बट ऐसा एक कैरेक्टर की यू कांट टेल शी इज़ गुड और बैड, बट यू लाइक हर। तो अभी हम लोग सीज़न 2 लेके आ रहे हैं क्लास ऑफ 2020 का, उसका भी वर्कशॉप स्टार्ट हो गया है। जैसे ही थोड़ा नॉर्मल होता है सिचुएशन, वैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। मे बी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ वी आर स्टार्टिंग सीज़न 2। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था और क्या क्या सीखा आपने, क्योंकि आपकी ये फर्स्ट सीरीज थी? हाँ, फर्स्ट वेब सीरीज़ थी ये मेरा। ऐसे पर्टिकुलरली यू नो, इतना छोटे से टाइम पे आई कांट एक्सप्लेन रियली मैंने क्या सीखा। बट अगर आप कोई भी वेब सीरीज़ कर रहे हो, इवन कोई भी, अगर आप एक दिन का भी कोई कैरेक्टर कर रहे हो ना, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होता है। और एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है, पता नहीं, मैं कभी कोई इंस्टीट्यूशन में नहीं गई, बट मुझे लगता है जो भी मैंने सीखा है काम करते करते ही सीखा है, वो कोई भी काम हो। वो बालवीर में करती थी, वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा है। इवन आई यूज़ टू स्पीक बंगाली ऑलवेज, बिकॉज़ आई एम फ्रॉम अ बंगाली फैमिली, तो मेरा हिंदी थोड़ा बहुत ठीक हो गया है अभी काम करते करते। सो या राइट ऑल्सो म्यूजिक वीडियो का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है, सीरियल्स की शूटिंग नहीं हो रही है, लेकिन म्यूजिक वीडियो बहुत सारे बाहर आ रहे हैं, तो आपके कोई प्रोजेक्ट्स हैं म्यूजिक वीडियो को लेकर, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर सच बोलूँ ना, हमारी इंडस्ट्री में इतने बातें होता है और आप वो बातों पे बिलीव करते हो कि हाँ मैंने साइन किया है 3 प्रोजेक्ट, ये आने वाला है, होने वाला है। उसके बाद उसके लिए अगर आप वेट करते रहते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है वो प्रोजेक्ट्स होता ही नहीं है। मे बी उसके लिए बहुत सारे रीजन्स रहता है। तो अभी मैं एक म्यूज़िक वीडियो कर रही हूँ। पहले मेरा 2-3 म्यूज़िक वीडियो, पंजाबी म्यूज़िक वीडियो मैं करने वाली थी, बट वो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा होता रहता है। अभी मैं एक फर्स्ट साउथ सॉन्ग के लिए मैं कर रही हूँ एक म्यूज़िक वीडियो। मैंने पहले तो बहुत सारा म्यूज़िक वीडियो किया हुआ है, एंड दिस वन आई एम डूइंग फर्स्ट साउथ सॉन्ग। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन। और ये हम लोग गोवा में शूट करने वाले हैं, तो हम लोग इसी महीने शूट करने वाले थे, बट अभी तक परमिशन नहीं मिला। तो जैसे ही परमिशन मिलता है विल स्टार्ट शूटिंग। राइट ऑल्सो आपको सीरीज में म्यूजिक वीडियो में लोगों ने अलग अलग किरदार में देखा है, हाँ, रियल लाइफ में आप कैसी है, थोड़ा सा अगर आपके फैंस को और हमारी ऑडियंस को बताएं? रियल लाइफ में मैं कैसी हूँ पता नहीं। अपने बारे में अगर आप खुद बात करते हो तो हमेशा वो सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, ये होता है, आप अपने आप को सबसे अच्छे से जानते हो। रियल लाइफ में मैं कोशिश करती हूँ, मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, मुझे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करना पसंद है, तो ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू प्ले दैट। बट वो जो होता है कि आई एम नॉट मैड फॉर फेम और एनी थिंग, तो रियल लाइफ में मुझे अपने
जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ आई वॉन्ट टू सिट एंड चिल लाइक दैट. मुझे वो एक्स्ट्रा एक्टर या एक्ट्रेस वाला अटेंशन नहीं चाहिए. मैं ऐसी ह्यूमन बीइंग हूँ, आई कैन से. राइट. ऑल्सो जैसे आपने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स तो आ ही रहे, लेकिन साथ ही साथ खुद को फिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम में, तो कैसे खुद को फिट रखती है आप? फिट नहीं रखती थी. अभी आई स्टार्टेड अगेन, आई एम गोइंग टू डांस क्लास एंड देन जिम अभी मैंने फिर से स्टार्ट किया है. बट लॉकडाउन में क्या था, जिम भी बंद था और कभी कभी मैं ऑनलाइन योगा क्लासेस कर लेती थी. और लॉकडाउन में भी आपको पता था कि एक महीना कुछ नहीं होने वाला है, तो ऑब्वियसली आई एम वेरी फूडी. मैं खाना ऑर्डर करती थी और मैं खाती थी. एंड आई एम बंगाली, सो आई लव बंगाली स्वीट्स. मैं तो स्वीट्स मैंने बहुत खाया है लॉकडाउन में. बट नाउ लाइक इट्स हाई टाइम आई शुड कट ऑन माई कैलोरीज. राइट. ऑल्सो एक्टर के साथ जो है आप प्रोड्यूस भी करने वाली है ऐसा खबर है. हाँ, मैंने एक शॉर्ट मूवी के लिए मैंने सोचा है, उसका स्क्रिप्ट भी अभी लिखा हुआ है. जस्ट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. या तो एक्टिंग भी आप ही करने वाली है या फिर कोई एक्टर की तलाश में? या ऑब्वियसली एक कैरेक्टर तो मैं करूंगी, बाकियों के लिए तो एक्टर कास्ट करना पड़ेगा. अगर थोड़ा सा बताए उस शॉर्ट फिल्म के बारे में क्या कुछ होने वाला है? सो जो स्टोरी था वो दो लड़का और दो लड़की का है. एंड इट्स अबाउट दिस न्यू जनरेशन में जो होता है ना, कि मतलब अभी तो पसंद आपका ऐसे चेंज होता है. आज मैं किसी के साथ हूँ, कल कोई और पसंद आ जाता है. मतलब अभी इट्स दिस 21st century इज़ लाइक दैट. तो या द स्टोरी इज़ अबाउट दैट और थोड़ा थोड़ा फन एलिमेंट्स भी है. राइट. एंड ऑल्सो सजाद दालफरोज जी के साथ भी एक फिल्म आने वाली थी आपकी, अगर उस बारे में कुछ बताएं? नहीं, वो तो अभी आने वाली थी, अभी नहीं आ रहा है बिकॉज वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के बीच में कुछ तो हुआ होगा डिफरेंसेस, तो उसके वजह से नहीं आ रहा है. बट या वी स्टार्टेड वर्कशॉप एंड एवरीथिंग, सब कुछ लोकेशन भी हम लोगों ने फाइनल किया हुआ था. फिर उसके बाद हुआ नहीं, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते ही नहीं है. सो या इट्स लाइक दैट. एंड एज एन एक्टर कौन इंस्पायर करता है आपको? बॉलीवुड से बताना है, बॉलीवुड में कोई भी इंस्पायर कर सकता है. सो आई लाइक द सिंगर सेलिना गोमेज. आई एम अ बिग फैन ऑफ सेलिना गोमेज. वाओ. और जैसे आपने बताया शी एक्ट्स आल्सो. सो या प्लीज, शी एक्ट्स आल्सो ना. हां, शी इज अ सिंगर आल्सो एंड एन एक्टर आल्सो. सो या राइट. एंड एनी ऑफ योर लाइक, डू यू लाइक टू सिंग और समथिंग, एनीथिंग यू लाइक टू शेयर विद अस? लाइक आई एम अ बाथरूम सिंगर. प्रोड्यूसर बन गई है, एक्टर एक्टिंग भी करती है आप, तो सिंगिंग में ट्राई करना पसंद नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. बिकॉज बहुत सारे अच्छे टैलेंटेड सिंगर्स है, मुझे लगता है उनको ही गाना गाना चाहिए. बचपन में था थोड़ा बहुत मैं सिंगिंग का क्लासेस करती थी, बट बंगाली फैमिलीज में जैसे होता है रविंद्रनाथ टैगोर के गाना वगैरह सिखाया जाता था, वैसे ही मैंने एक दो साल क्लासेस किया. दैट्स ऑल, आई एम नॉट अ सिंगर. राइट. आल्सो रीजनल सिनेमा इन दिनों बहुत अच्छा कर रहा है. या बहुत अच्छा कर रहा है. एनी प्लान्स टू डू अ बंगाली फिल्म और समथिंग? इफ आई गेट ऑफर देन ऑब्वियसली आई कैन, बिकॉज मैं बंगाली हूँ, ऑब्वियसली आई एम ऑन फॉर बंगाली प्रोजेक्ट्स. बट अभी तक ऐसा कुछ मतलब आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ कॉन्टैक्ट इन बंगाल, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. बट आई एम डूइंग अ साउथ फिल्म. पता नहीं क्या बोलना है, जस्ट सब लोग खुश रहिए बस. दैट्स इट, बी हैप्पी. थैंक यू सो मच. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू.